अरे आप कोई समाज के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ और वास्तव में आप जो ऐसे लोग ही इस देश समाज को चलाते हैं इसलिए एक बार फिर से बधाई बधाइए मैंने देखा कि यहाँ पर विधवा परेशान वृद्धा परेशान किसान परेशान यहाँ पर दबंगों ने गुंडों ने लोगों के खेतों को कब्जा लिया है यहाँ पर आपका जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है सो आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दैट इफ आई बिकम द लेजिस्लेटर ऑफ दिस असेंबली देन आई विल डू ंग एंड एंडलीरिया नमस्कार मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स एसोसिएशन जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति सोशल और सोशल डेवलपमेंट की इस समय मेरे साथ महोबा सदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेश कुमार सोनी जी मौजूद हैं उनसे जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए वो क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी धन्यवाद आपको महेश जी हमारा संगठन आई पर जो काम कर रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अरे आप कोई समाज के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ और वास्तव में आप जो ऐसे लोग ही इस देश समाज को चलाते हैं इसलिए एक बार फिर से बताइए महेश जी बात की जाए महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ ऐसी क्या समस्या है जिनको देख आप चुनावी मैदान में आए देखिए जो मैं वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूँ ये चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं थी और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अनाचार के खिलाफ शोषण और अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ पंद्रह वर्ष पहले से लड़ रहा हूँ मैं पेशे से हायर एजुकेशन से भी जुड़ा रहा और मैंने बीस साल सेवा की है तो मैंने यहाँ पर जब चारों तरफ देखा घूमा फिरा तो मैंने देखा कि यहाँ पर विधवा परेशान वृद्धा परेशान किसान परेशान यहाँ पर दबंगों ने गुंडों ने लोगों के खेतों को कब्जा लिया है यहाँ पर आपका जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो कहने का तात्पर्य हमारी जो आम आदमी पार्टी है ऑलरेडी पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और उन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के मैं समाज के और देश को साथ लेकर के वो विधानसभा में जो लोग सोचे थे पीड़ित हैं उनके लिए छो छोटे से छोटे मुद्दे लेकर और बड़े से बड़े मुद्दों को उठाऊंगा और खासतौर से उन मुद्दों को उठाऊंगा जिन पर ना तो शासन ध्यान देता ना प्रशासन ध्यान देता और ना गरीब स्वयं ध्यान देना को दे पाता इसलिए मेरे मुद्दे शोषण वंचितों के लिए रहे मोहब्बा सदर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ तो ना रोजगार है ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है पलायन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है इनको किस नजरिए से देखिए देखिए हमारी आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो हमने कहा है कि हम लोग एक साल में दस लाख नौकरियां देने का हमने वादा किया है मैं मानता हूं कि अन्य सरकारों ने किया लेकिन कितना किया जिस पूरी दुनिया जानती है मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकारें नहीं करती लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारी आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट पार्टी ऑल ओवर इंडिया और आई एम महेश कुमार सोनी बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सो आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दैट इफ आई बिकम द लेजिस्लेटर ऑफ दिस असेंबली देन आई विल डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड समथिंग फॉर दैट हु आर हाईली आइसोलेटेड इन दिस एरिया बिल्कुल बिल्कुल बात की जाए यहाँ पे जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं आपके मन में क्या विजन है किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दे पाएंगे किस तरीके से उच्च शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ उच्च शिक्षा के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं है इन सब के लिए क्या आपके मन में रोड मैप आपने तैयार किया जी मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा पहले आपने पूछा चिकित्सा वास्तव में चिकित्सा यहाँ यहाँ पर नेता बहुत है लेकिन नियत की कमी है यहाँ पर आप जिस अस्पताल में जाते हैं खासतौर से सरकारी अस्पतालों में तो वहाँ काल में महिलाएं तड़पती रहती हैं या कई महिलाएं दम तोड़ देती हैं या दवाइयाँ लिखी जाती हैं ऊपर से शासन भेजता है लेकिन यहाँ दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं डॉक्टर भेज डालते हैं यहाँ छोटे छोटे यहाँ तक कि जो फार्मासिस्ट हैं वो तक दलाली करते हैं तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर मैं अपना प्रतिनिधि बैठा दूंगा और एक एक पल पल की जानकारी लोगों तक मुश्तक आएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ये मेरी गारंटी है नंबर दो आपने शिक्षा की दृष्टि में तो चूंकि में ऑलरेडी आई है मैं टोटली डेडिकेटेड इन फिफ्टीन ईयर्स फॉर हायर एजुकेशन तो मुझे अच्छी तरह पता है कि शिक्षा की के क्षेत्र में कहाँ पर सुधार होना कैसे सुधार होना यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को सही ट्यूशन नहीं दी जाती है और ट्यूशन दी जाती है तो बच्चों को वैसा ही पकड़ा दी गई है तो पहले मैं प्रयास करूँगा कि उनको ट्यूशन ही न दी जाए और अच्छे कॉलेजों में और अच्छे टीचरों द्वारा पढ़ाई कराई जाए और उन टीचरों को जो समय से नहीं आते उनको लाया जाए और उनकी बात नहीं आएगी तो कुलपतियों को बताया जाएगा और आपका जो परिषद है उनको बताया जाएगा कल बुला के जो जड़ है एजुकेशन सुधारने के उस पर मैं ध्यान दूंगा क्या लग रहा है दिल्ली में तो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं पार्टी के संयोजक हैं मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में कौन है चेहरा देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में मानी संजय सिंह जी मानी सभाजीत सिंह जी और मानी आर के गौतम जी इन तीनों लोगों में आपस में चर्चाएं की गई हैं दोनों तीनों लोग मिलकर के आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे का इतना जबरदस्त सम्मान करते हैं कि अभी तक यही लोग तय नहीं कर पाए हैं लेकिन हमारा चुनाव जो चल रहा है वो आम आदमी पार्टी एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में चल रहा है और यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब अपने आपको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में एक जनता जनार्दन हमारी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रही है कैसा समर्थन आपको मिल रहा है देखिए आम आदमी पार्टी चूंकि गरीबों से वंचितों से शोषित से जुड़ी हुई पार्टी है उसका समर्थन तो मिल ही रहा है साथ साथ जो हमने बीस साल से कार्य किया है उसका भी समर्थन मिल रहा है और हमारे पार्टी को न केवल दिल्ली बसरते पूरे भारत में जिसमें पंजाब आप देख रहे हैं गोवा देख रहे हैं और धीरे धीरे जितना मजदूर वर्ग है किसान वर्ग है शोषित वर्ग है बेरोजगार वर्ग है और जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग है अति दलित वर्ग है वो सब साथ दे रहे हैं हमारा बात की जाए देश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड के महोबा जिले की यहाँ शिक्षा का स्तर खराब है यहाँ ज्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है साक्षरता नहीं है ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ कैसे पैर जमा पाएगी देखिए आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा ही है कि वो न केवल महोबा में बसरते अगर सरकार हमारे आती है तो हम संपूर्ण जिलों में वो एक और क्रेम से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम लोग पूरे दे, देश में करने का प्रयास है हमारा और हमारा आपका उत्तर प्रदेश में और रही बात महोबा की यदि मैं बनता हूँ तो मैं अपनी पूरी बात सरकार से मनवा करके बात रख कर अपनी योग्यता का परिचय दे करके अपनी ईमानदारी और चरित्र का परिचय दे करके उस शिक्षा की दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि में और नीचे जो आपकी बेसिक शिक्षा यानी कोई भी शिक्षा हो हो चाहे टेक्निकल हो सब में ध्यान जाएगा। ये मेरा वादा है। ये थे, आम आदमी पार्टी के महोबा सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए महेश कुमार जी जिन्होंने अपने विजन के बारे में हमें विस्तार से बताया और किस तरीके से उन्होंने कहा कि महोबा सहित उत्तर प्रदेश का विकास किया जा सकता है इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और बेलाइकन दबाना बिल्कुल न भूले महोबा से वहीद अहमद